हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑल इन वन सॉल्यूशन इन हिंदी में। दोस्तों मैं हूं नीरज आर्य। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको एक गर्भित पशु की गाय है आपकी होलिस्टन क्रिएशन की, फर्स्ट टाइम जो है इसका है, तो इसमें बताऊंगा मैं कि इसकी जो है पांचवें महीने से जो है इसकी डाइट क्या हो। तो दोस्तों हम इसको जो है चने देंगे डाइट के लिए इसके, और चने को जो है बिल्कुल भिगाकर, और जब वो अंकुरित हो जाते हैं जिसमें जो है जम जाते हैं वे, और उसको कूट कर पीस का पेस्ट बनाकर इसको देंगे, जिससे इसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है इसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से देते हैं। इस तरीके से जो है कूट लेंगे और इस तरह ये बन जाएगा, इस तरह से इसको खिला देंगे। ये देखिए, ये इस तरह का जो है अंकुरित जो चना है, आपको जो अंग्रेजी में ग्राम कहते हैं, इस तरह से थोड़ा और बारीक करेंगे, क्योंकि ये इस तरह से जो दाने रह जाते हैं ये थोड़े गोबर में बाहर आ जाते हैं, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि इसका पतले से पतला पेस्ट बना सकें। और ये पशु जो है इसे बहुत चाव से खाते हैं, ये देख लीजिए पागल हो जाते हैं इसे देखते देखते, बिल्कुल आप देखना चाहेंगे तो देख सकते। दोस्तों यदि आप अब इस पशु से ज्यादा दूध लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है होलिस्टन फ्रीजन की है, ये नस्ल ऐसी है कि ज्यादा दूध देती है, तो आप इससे दियाने से पहले की स्वयं की खुद की तैयारी करनी होती है, इस तरह की डाइट जो है इस पशु को देनी होती है, जिससे यह अधिक दूध देगी और गर्भाधान में आने वाले समय में हीट में आने में फिर से कोई संबंध दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी डाइट देने से जो है बियाने के 2 महीने बाद ही ये फिर से हीट पे आ जाएगी और यूट्रस संबंधी और प्रजनन संबंधी कोई भी समस्या किस तरह की नहीं आएगी। तो आप डाइट में जो है चने को शामिल कीजिए और इसको जो है भिगो कर अंकुरित करके जमा कर दीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो मिलेंगे आपको सबसे पहले सबसे जल्दी। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।